Hello everyone. Now in this video again we will take the previous year question papers for KVS PGT. अब KVS PGT का एग्जाम का अगर ये जो प्रेजेंटेशन आपको डाउनलोड करना है तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं which is www.digimentor.com और वहाँ पर डाउनलोड्स सेक्शन के अंदर आपको इस जो वीडियो है उसकी प्रेजेंटेशन PPT वहाँ पर मिल जाएगी और अगर आप कोई कोर्स लेना चाहते हैं तो हमारे कोर्स की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी. ओके सो चलो आगे बढ़ते हैं. सबसे अब तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 तक डिस्कस कर चुके थे. हमने क्वेश्चन नंबर 49 तक डिटेल में डिस्कशन किया है. अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 50 से आगे डिस्कशन करेंगे. अब क्वेश्चन नंबर 50 जो है वो डेटा बेसिस से है. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इट इज सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विद रिस्पेक्ट टू रिलेशनल डेटा बेसिस. रिलेशनल डेटा बेसिस के रिस्पेक्ट में इसमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है. पहला, A disadvantage of highly normalized table is that queries may require too many time-consuming joins. Dusra, the foreign key constraints are referential integrity constraints. Number 3, a primary key uniquely identifies a row in a table. And number 4, the nulls reduce space requirement in a table. Ab yahan par point number 2 and 3, they are correctly fine. अब हमें क्लियरली पता है बिकॉज अगर आपने हमारा डेटाबेसिस का सब्जेक्ट पढ़ा है तो आपको क्लियरली पता है कि पॉइंट नंबर 2 एंड 3 आर देयर करेक्टली फाइन. उसमें कोई इशू नहीं है. इट्स अ वेरी इंट्यूटिव. अगर आपको डेटाबेसिस की थोड़ी सी भी नॉलेज है तो 2 एंड 3 के लिए आप करेक्ट कह सकते हैं. लेकिन यहाँ पर जो मेजर प्रॉब्लम आती है बच्चों को वो आती है पॉइंट नंबर 1 एंड 4 के. 1 एंड 4 के अंदर कौन सा पॉइंट सही है कि नॉर्मलाइज टेबल का डिसएडवांटेज क्या है, इसके अलावा और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं नॉर्मलाइज डेटाबेसिस के, और दूसरा हमारे पास जो नल है क्या नल स्पेस रिक्वायरमेंट को रिड्यूस करते हैं या नहीं. तो मैंने बेसिकली दोनों के ऊपर थोड़ा सा कॉन्टेक्ट है जो थोड़ा सा टेक्स्ट है वो यहाँ पर ऐड किया है. सबसे पहला मैंने नल के लिए किया. देखिए नल के लिए अलग अलग डेटाबेसिस में थोड़ा सा डिफरेंस है नल के केस में. पहला ये है, ये जो मैंने कॉन्टेंट लिखा है दिस इज़ अबाउट द SQL सर्वर. तो SQL सर्वर जो डेटाबेस है ये उसके लिए है और उसी तरीके से मैंने Oracle के लिए भी थोड़ा सा कॉन्टेंट यहाँ पर लिखा है. देखिए अब जो SQL सर्वर है, जो नल स्टोर्ड इन अ कॉलम डज नॉट स्पेसिफिकली कॉस्ट और सेव स्पेस फॉर फिक्स्ड लेंथ डेटा, द एंटायर स्पेस इज स्टिल रिजर्व. यानी कि हमारी जो अगर आपने किसी डेटा के लिए अगर आपने कोई कॉलम में कोई स्पेस बताया है कि दिस इज द साइज ऑफ दिस स्पेस और इसका जो साइज है वो फिक्स्ड है, तो उस केस में जो नल है इवन इफ यू आर ट्राइंग टू स्टोर नल दिस स्पेस इज रिजर्व. यानी कि अगर आप लेट अस से दिस स्पेस इज ऑफ 2 byte, तो नल भी अगर आप यहाँ पर स्टोर करेंगे तो जो 2 byte का स्पेस है वो रिजर्व हो जाएगा. ठीक है, लेकिन अगर उसकी जो लेंथ है वो वेरिएबल है तो वेरिएबल लेंथ के केस में वी माइट बी एबल टू सेव सम स्पेस, बट फिक्स लेंथ के केस में विल नॉट बी एबल टू सम स्पेस एनी स्पेस. ओके सो वेरिएबल में भी स्पेस यूटिलाइज होगा बट थोड़ा सा जो स्पेस है वो कम डेटा साइज के अकॉर्डिंग हम स्पेस यूटिलाइज कर सकते हैं. सो अगर आप ओरेकल की बात करते हैं तो ओरेकल में सो इन ओरेकल डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कॉलम एंड इट्स पोजीशन इन द रो. इफ द नल कॉलम आर लास्ट इन द रो दे डोंट टेक एनी स्पेस एट ऑल. इन ओरेकल प्रीपेंड्स द टोटल रो साइज टू ईच रो. एवरीथिंग दैट डजंट फिट इज कंसिडर्ड एज नल. सेकेंड, इफ देर इज सम नॉन नल डेटा आफ्टर अ नल कॉलम देन द नल इज स्टोर्ड एज अ सिंगल बाइट ऑफ which is 0xFF. So, ये जो given है, this is given in hexadecimal. Okay, so 0xFF का मतलब क्या है? 0xFF का मतलब है, F means it is 1111 and second F means 1111. यानि कि एक single byte के अंदर आप 255 store करेंगे null को represent करने के लिए. In the same way, an empty varchar 2 is equivalent to null. If you test the type of literal null returned from the select list, it will give you a varchar 2 with size 0. सो बेसिकली जो नल है वो आप डेफिनेटली नहीं कह सकते कि कहाँ पर साइज सेव करेगा. इन सम केसेस ओनली इट कैन सेव साइज. जैसे कि हमने इसे पहले चेक किया था SQL सर्वर के केस में. SQL सर्वर में वो साइज सेव नहीं कर रहा था, लेकिन Oracle में अगर लास्ट कॉलम जो लास्ट रो है अगर वो नल की पोजीशन, देन ओनली इट विल सेव सम स्पेस, अदरवाइज इट विल नॉट सेव एनी स्पेस. ये है नॉर्मलाइजेशन का एडवांटेज. ऑब्वियसली हम एडवांटेज की तो बात कर ही नहीं रहे हैं यहाँ पर, तो ये आपके रेफरेंस पर्पजेज़ के लिए मैंने एडवांटेजेस को इंक्लूड कर दिया है ताकि आप इसको नोट्स बना सके, इसको पढ़ सके.
फ्यूचर में कई क्वेश्चन के बारे में पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्ट क्वेश्चन है नॉर्मलाइजेशन ऑफ डेटाबेसिस में. उसी तरीके से डिसएडवांटेज भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है. नाउ व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ नॉर्मलाइजेशन ऑफ डेटाबेस. पहला, मोर टेबल्स टू जॉइन बाय स्प्रेडिंग आउट डेटा फ्रॉम डेटा इनटू मोर टेबल्स. आई मीन आप जो डेटा है उसको ज़्यादा टेबल्स के अंदर स्प्रेड आउट करेंगे एक ही डेटा के लिए. अब जो एक डेटा सिंगल डेटा आप एक सिंगल टेबल में था, नॉर्मलाइजेशन करते हुए वही डेटा जो है वो मल्टीपल टेबल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा जितनी नॉर्मल फॉर्म्स का आप अचीव करते रहेंगे. जैसे कि हमारे पास थर्ड नॉर्मल फॉर्म है या BCNF है या फोर्थ नॉर्मल फॉर्म है या फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म है, तो जितनी नॉर्मल फॉर्म्स आप अचीव करते रहेंगे उतना ही आप टेबल्स को ब्रेक करते रहेंगे. तो अब नॉर्मलाइजेशन के केस में ये होगा कि जब आप कुछ ऐसी क्वेरी लिख रहे हैं जो कि ज़्यादा टेबल्स के ऊपर स्पैन करती है, तो उस केस में हमें उन सभी टेबल्स को ज्वाइन करना पड़ेगा. तो एक डिसएडवांटेज नॉर्मलाइजेशन का ये भी है कि आप टेबल्स को ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करने की वजह से यू आर गोइंग टू वेस्ट लॉट ऑफ टाइम. ओके, एंड बिकम्स वेरी हार्डर टू रियलाइज एज वेल एज. रियलाइज का मतलब है इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा हार्ड हो जाता है. ओके, सो बाकी जो है वो आप जो पॉइंट्स हैं वो आप पढ़ सकते हैं, वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर लिखे हैं. आप इसको गो थ्रू करें, बेटर रहेगा. इसके नोट्स बना लें तो भी बेटर रहेगा. ओके, अब क्वेश्चन के अंदर आते हैं. क्वेश्चन में बोलता है दैट डिसएडवांटेज ऑफ हाईली नॉर्मलाइज टेबल्स इज दैट क्वेरीज में रिक्वायर टू मेनी टाइम कंज्यूमिंग जॉइंस. और दूसरा है हमारे पास नल्स रिड्यूस स्पेस रिक्वायरमेंट इन द टेबल. अब इस क्वेश्चन के अंदर जो एक क्लैरिटी है, आई मीन जो कन्फ्यूजन है, वो ऑप्शन नंबर वन एंड ऑप्शन नंबर फोर के अंदर है कि ऑप्शन नंबर वन और फोर से वो कहना क्या चाहता है. फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं दोनों ऑप्शंस को चेक करता हूँ तो अब यहाँ पर उसने बात की है नॉर्मलाइज टेबल्स की बात करी है. अब अ क्वेरीज मे रिक्वायर टू मेनी टाइम कंज्यूमिंग जॉइंस, यानी कि अगर एक क्वेरी जो है वो मल्टीपल टेबल्स को एक्सेस करना चाहती है, अगर एक क्वेरी जो है वो मल्टीपल टेबल्स के ऊपर लग रही है तो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू टेक मेनी टाइम कंज्यूमिंग जॉइंस. तो जॉइंस जो है वो टाइम कंज्यूमिंग होंगे. और ऑप्शन नंबर फोर के अंदर उसने बोला है नल स्पेस रिड्यूसेस स्पेस रिक्वायरमेंट इन द टेबल. अब जो नल स्पेस है वो टेबल के अंदर स्पेस रिक्वायरमेंट को रिड्यूस करता है, बल्कि ऐसा नहीं है. मोस्टली एक स्पेसिफिक केस ही है हमारे पास ओरेकल डेटाबेस का, बट इन 99.99% ऑफ द केसेस जो नल स्पेस है वो इवन आप किसी कॉलम के अंदर अगर आपने इसका साइज फिक्स कर दिया है तो नल स्पेस में वो जो स्पेस है वो रिजर्व हो जाता है. तो फोर्थ जो है वो क्लियरली हमें पता है इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ फॉल्स. और जो फर्स्ट वन है, फर्स्ट वन के केस में डिपेंड्स ऑन द क्वेरी इटसेल्फ. तो क्वेरी किस तरीके से, ऑब्वियसली जो फर्स्ट वन है वो यहाँ पर ट्रू है, ठीक है. तो बिकॉज ये पूछे कि इनमें से कौन सा फॉल्स है, तो ये फर्स्ट वन हमारा ट्रू है, सेकेंड वन भी ट्रू है, थर्ड वन भी ट्रू है. द ओनली थिंग दैट इज़ रॉन्ग इज़ ऑप्शन नंबर फोर, ठीक है. तो पहला जो है वो हमारा यहाँ पर ट्रू रहेगा. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं हम लोग. ये भी कुछ ऐसा पॉइंट्स है मैंने आपके लिए यहाँ पर इंक्लूड किए हैं. आप चाहें तो इन सभी पॉइंट्स को लिख सकते हैं, अपनी नोटबुक पे बना सकते हैं, ताकि फ्यूचर में कोई इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये आपको ज़रूर हेल्प करेगा. सो ये जो स्लाइड है इसके अंदर दिया दिखाया हुआ है बेनिफिट्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन. ओके, अब क्वेश्चन नंबर 51 में आते हैं. दे आर सेइंग हाउ मेनी गेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन. आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन, देखो जनरली अगर यहाँ पर वो आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन नहीं भी लिखते, उस केस में भी हमें इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके ही इम्प्लीमेंट करना होता है. बेसिकली मोस्टली जो भी आप बुलियन एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे वो सभी एक्सप्रेशन आप सिंप्लीफाई करने के बाद ही इम्प्लीमेंट करते हैं. अब जैसे कि एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है AC plus ABC. In this expression, you can take AC as common. अंदर बचेगा यहाँ पर हमारे पास 1 plus b, और 1 plus b में दिस कैन बी रिटन एज 1. देयरफॉर एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगी AC.1, यानी कि पूरी एक्सप्रेशन को रिड्यूस करके हम AC की फॉर्म में लेके आ सकते हैं. और AC के अंदर AC को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें सिर्फ एक एंड गेट चाहिए. अगर आप चेक करेंगे A को इनपुट दीजिए, C को इनपुट दीजिए, इन दोनों के बीच में एक एंड गेट लगाइए और उस एंड गेट से आपको एक आउटपुट मिल जाएगा. तो अगर यहाँ पर पूछा जाए कि यहाँ पर कितने गेट्स की रिक्वायरमेंट होगी टू इम्प्लीमेंट दिस एक्सप्रेशन, देयरफॉर द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 विच इज 1. ओके, नेक्स्ट, व्हाट डू डेटा वेयर हाउस सपोर्ट. देखो डेटा वेयर हाउसेज जो है वो OLAP एंड OLTP दोनों को सपोर्ट करता है. सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन आता है डेटा वेयर हाउसेज के बारे में वो इन दोनों के बारे में ही इंट्रोडक्शन आता है, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग एंड ऑनलाइन ट्रांजेक्शनल प्रोसेसिंग, ठीक है. तो
अब जो डेटा वेयर हाउस है मोस्टली वो एनालिसिस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, और जो डेटा वेयर हाउस है वो एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, और जो डेटा बेसिस है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग के लिए भी हम लोग डेटा बेसिस को यहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऑपरेशनल डेटा बेस ऑब्वियसली इसका आंसर नहीं होगा। अब देखो OLAP का मतलब क्या है, पहले आप OLAP का मतलब आपको पता होना चाहिए। जनरली हमारे पास जो एक हिस्टोरिकल डेटा होता है, जो काफ़ी टाइम से आपके पास जो डेटा हिस्टोरिकल डेटा होता है, उस हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर आप कुछ एनालिसिस करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल था हमारे पास, जैसे एक शॉपिंग मॉल है आपके पास। अब शॉपिंग मॉल के अंदर अगर आप बिग बाज़ार या इनमें से किसी भी मॉल पे जाते हैं, तो जो प्रोडक्ट्स हैं दे ऑफर सम डिस्काउंट ऑन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, और उसी के साथ साथ वहाँ पर कुछ और प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर रखे होते हैं। अब जो प्रोडक्ट्स की प्लेसमेंट है वो कंज्यूमर का बिहेवियर, किस तरीके से कंज्यूमर ट्रैवल करेगा, किस तरीके का बिहेवियर है, अगर वो एक प्रोडक्ट बाय करेगा तो उसके साथ उसको और कौन सा प्रोडक्ट बाय करना पड़ेगा और कौन कौन सी उसकी रिक्वायरमेंट है, उसकी एक एनालिसिस वो लोग स्टडी करते हैं और उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग वो उस प्रोडक्ट्स को यहाँ पर रखते हैं। तो इस केस में हम लोगों ने एक एनालिटिकल प्रोसेसिंग करी। ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग इज़ लाइक आपने अभी कुछ क्वेरी लगाकर यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट, तो उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग। अब जो डेटा वेयर हाउस है वो बोथ OLAP एज वेल एज OLTP दोनों ही सपोर्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द टर्म सम ऑफ प्रोडक्ट इन द बुलियन अलजेब्रा मीन्स। बुलियन अलजेब्रा में सम ऑफ प्रोडक्ट होता क्या है? देखिए, जो हमारे पास टर्म्स इस तरीके से होती हैं AB + BC + CA, अब ये जो टर्म है इसको बोलते हैं हम SOP एक्सप्रेशन, सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन। उसी तरीके से एक्सप्रेशन हमारे पास कैनोनिकल SOP भी हो सकता है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको ये बेसिकली पता होना चाहिए अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं कि कैनोनिकल SOP और SOP में यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या है। कैनोनिकल SOP में अगर आपका जो फंक्शन है वो तीन वेरिएबल्स का है तो हर एक टर्म के अंदर तीनों वेरिएबल्स होने चाहिए। ये जो एक हमारे पास टर्म थी, यहाँ पर हमारे पास ये तीन वेरिएबल का फंक्शन है विच इज़ FA, BC, लेकिन हर एक टर्म में तीनों वेरिएबल्स नहीं है। ठीक है, तो जो आपकी एक्सप्रेशन होगी इकोनॉमिकल SOP, तो इट एवरी टर्म विल बी हैविंग ऑल द थ्री वेरिएबल। जैसे कि दिस टर्म कैन बी कन्वर्टेड टू ABC + ABC, उसी तरीके से इस टर्म को हम कन्वर्ट कर सकते हैं BCA + BCA, उसी तरीके से हम इस टर्म को कन्वर्ट कर सकते हैं CAB + CAB। तो ये जो होगी टर्म हमारी, ये होगी हमारे पास कैनोनिकल SOP। उसी तरीके से जब मैं POS यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म की बात करता हूँ, तो POS प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म को हम इस तरीके से लिखते हैं जहाँ पर हम कुछ एक्सप्रेशंस का सम लेते हैं और उन एक्सप्रेशन के सम को हम प्रोडक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर इन सम को, इन टर्म्स को हमने कंबाइन किया है विद द हेल्प ऑफ एंड गेट, और ये है हमारे पास और गेट, और यहाँ पर इन सम टर्म्स को कंबाइन किया है विद द हेल्प ऑफ एंड गेट, और ये जो है हमारे पास दिस इज एन और गेट। अब जो SOP है, इट मीन्स द एंड फंक्शन ऑफ सेवरल एंड फंक्शन, दिस इज रॉन्ग। द एंड फंक्शन ऑफ सेवरल और फंक्शन, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, बिकॉज ये प्रोडक्ट ऑफ सम को रिप्रेजेंट करता है, एंड फंक्शन ऑफ सेवरल और फंक्शंस। ऑप्शन नंबर 3, द और फंक्शन ऑफ सेवरल एंड फंक्शंस, दिस इज करेक्ट। जैसे यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं इसको, उसी तरीके से ऑप्शन नंबर 4 जो है वो रॉन्ग है। सो 53 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द करेक्ट HTML टैग फॉर लार्जेस्ट हेडिंग। तो देखो, हेडिंग के लिए हम लोग HTML के अंदर H1 यूज़ करते हैं। H1, आप कुछ टेक्स्ट लिखिए /H1, तो ये हमारे पास सबसे लार्जेस्ट हेडिंग हो जाएगी। उसके अलावा सेकेंड लार्जेस्ट हेडिंग इज रिप्रेजेंटेड बाई H2/H2, एंड देन थर्ड लार्जेस्ट हेडिंग इज रिप्रेजेंटेड बाई H3, एंड वी हैव /H3 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से जो हेडिंग्स हैं वो हम H1 टैग से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर 2, 3 एंड 4 ये गलत है, ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट, और H6 जो है वो स्मॉलेस्ट हेडिंग के लिए यूज़ हो किया जाता है। आई थिंक मोस्टली H5 तक होता है, आई एम नॉट श्योर, बट H6 जो है वो स्मॉलेस्ट हेडिंग के लिए HTML में यूज़ किया जाता है। नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स अलाउज एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स लार्जर देन द साइज ऑफ फिजिकल मेमोरी। इसमें से कौन सी टेक्निक प्रोग्राम जिसका साइज फिजिकल मेमोरी से ज़्यादा बड़ा है वो अलाउ करता है। देखो, हमारे पास दिस इज़ योर CPU। अगर आपने मेरे मेमोरी मैनेजमेंट के वीडियोस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि हम किस तरीके से एक प्रोसेस को, वी डिवाइड अ प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ पेजेस। तो एक प्रोसेस को हम पेजेस के अंदर डिवाइड करते हैं, और जो हमारी मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी जिसको हम फिजिकल एड्रेस स्पेस भी कहा जाता है, हम उसको फ्रेम्स के अंदर डिवाइड करते हैं। सो बेसिकली वी कैन टेक अ पेज ऑफ अ प्रोसेस एंड वी कैन पुट द पेज इनसाइड अ फ्रेम। और ये जो पेज का साइज़ है और ये जो फ्रेम का साइज़ है, दोनों साइज आपके पास सेम होते हैं। अब अगर आप पेजेस को, सिर्फ उन्हीं पेजेस को अगर आप मेमोरी में लेकर आएंगे जिनकी समय पर रिक्वायरमेंट है, तो उसको बोलते हैं हम डिमांड पेजिंग। तो
हमें अगर एक प्रोसेस प्रोसेस को बेसिकली हम वर्चुअल एड्रेस स्पेस भी कहा जाता है प्रोसेस को, और जो प्रोसेस है अगर ऐसी प्रोसेस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करना है जो कि मेन मेमोरी के साइज से ज़्यादा बड़ा है, तो उस कॉन्सेप्ट को हम इम्प्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिमांड पेजिंग। अब थ्रेशिंग इज़ अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट। थ्रेशिंग बेसिकली लेड टू द CPU यूटिलाइजेशन, कि अगर आप जो CPU यूटिलाइजेशन जो है वो डिक्रीज हो जाता है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट्स पेजेस के इंक्रीज होते हैं तो CPU यूटिलाइजेशन डिक्रीज होता है, वो थ्रेशिंग है। बफरिंग एंड DMA, दिस इज नॉट द आंसर। DMA जो है वो हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा था। अब जो DMA है वो लार्जर प्रोग्राम साइज से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। आई थिंक आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है मेरे वीडियो से। नेक्स्ट, फॉर द फॉलोइंग बाइनरी ट्री इन ऑपरेट द ट्रेवर्सल यील्ड द एक्सप्रेशन। अब देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, बिकॉज आइदर दे वॉन्ट टू से इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, बिकॉज इन ऑपरेट ट्रेवर्सल हमारे पास नहीं होता है, हमारे पास इन ऑर्डर ट्रेवर्सल होता है। अगर आप इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालेंगे तो आपके इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या निकलेगा, दैट विल बी ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई डी माइनस ई डिवाइड बाई एफ। This is the in order. Actually, in order will be a plus b multiplied by d minus e divided by f. But ये मैंने एक expression tree है, इस expression tree को हमने यहाँ पर जो represent करना चाहता है ये उस form में हमने इसको represent किया है, ठीक है। तो इसका in order traversal will be this, which is answer number 4, ठीक है। Next, dash is a special effect in motion pictures and animation that changes one image or shape into another through a seamless transition. हमारे पास चार option है यहाँ पर, tweening, इनवर्स काइनेमेटिक्स, मॉर्फिंग एंड ट्विकिंग। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास मोशन पिक्चर्स में ट्विकिंग कुछ भी नहीं होता है, हमारे पास मोस्ट ट्विकिंग का मतलब है कि थोड़ी सी चेंजेस करना, दैट्स इट। अब हमारे पास मोस्टली यहाँ पर होता है ट्विनिंग होता है हमारे पास, मॉर्फिंग होता है हमारे पास, इनवर्स काइनेमेटिक्स होता है, ठीक है। अब देखो, मैं जो हूँ आई मेक वीडियोज एवरी डे, तो इन चीज़ों से मैं काफ़ी इंटरलेट कर सकता हूँ अपने आप को, क्योंकि हर चीज़ को मैं यूज़ करता हूँ डेली बेसिस पर। पर आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनको इनके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, इसी वजह से मैंने तीनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने कुछ टेक्स्ट और इमेजेस यहाँ पर ऐड की है। तो सबसे पहले आपके पास ट्विनिंग, ट्विनिंग का मतलब है जैसे अगर आपके पास कुछ पर्सन जो है वो यहाँ पर है, उसका जो नेक्स्ट शेप है वो यहाँ पर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ट्रांजिशन है उसके बीच में अगर हम कुछ फ्रेम्स को फिल कर देते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्विनिंग। अब जो दूसरा आता है आपके पास, उसको बोलते हैं इनवर्स काइनेमेटिक्स। जैसे कि अगर एक ह्यूमन है, ह्यूमन कुछ एक्टिंग करता है मूवमेंट करने के लिए, और आप उन मूवमेंट को किसी कार्टून कैरेक्टर के अंदर अगर चेंज करते हो, उसको चेंज करते हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग इनवर्स काइनेमेटिक्स। और तीसरा होता है आपके पास मॉर्फिंग। जैसे कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, दिस इज़ जॉर्ज डब्ल्यू बुश, और हमने उसको उसके अंदर थोड़े से चेंजेस करके हमने एक ट्रांजिशन दिखाया है जॉर्ज डब्ल्यू बुश का, हमारे पास आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के फेस के रूप में, तो उसको बोलते हैं मॉर्फिंग। और मॉर्फिंग में डायरेक्टली लिखा हुआ है, ये बेसिकली मैंने विकीपीडिया से उठाया है, जो पूरा सेंटेंस है क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली ये विकीपीडिया से उठाया गया है। सो इट इज़ अ शेप इनटू अनदर सीमलेस ट्रांजिशन, वन शेप और अनदर सीमलेस ट्रांजिशन, ये एग्जैक्टली विकीपीडिया का सेंटेंस है क्वेश्चन के अंदर, तो बहुत ही रैंडम क्वेश्चन उठाया गया है ये, तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, इन विच एड्रेसिंग मोड द ऑपरेंड इज गिवन एक्सप्लिसिटली इन द ट्रांजिशन इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन के अंदर अगर आप ऑपरेंड देते हैं तो उस तरह के एड्रेसिंग मोड को हम क्या कहते हैं। देखिए, यहाँ पर जो #3 लिखा है, #3 का मतलब है इट इज़ इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। #3 का मतलब है कि हम लोग आर नॉट की वैल्यू को, वी आर गोइंग टू टेक आर फोर की वैल्यू के अंदर हम 3 नंबर को ऐड करेंगे और उसके रिजल्ट को हम R4 के अंदर ही स्टोर करेंगे। तो ये हमारे पास ऐड इंस्ट्रक्शन है जहाँ पर हम इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का यूज़ कर रहे हैं, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। इसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर डिस्कशन किया है, मैंने कंप्यूटर आर्किटेक्चर के वीडियोस के अंदर काफ़ी डिटेल के अंदर ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, इनमें से कौन सी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन नहीं है। पहली आपके पास कंपेयर, दूसरी है मूव, तीसरी है जंप और फोर्थ है कॉल। अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन नंबर 2 है ये इन सब में से ऑड वन आउट है। बेसिकली जो इंस्ट्रक्शन नंबर 2 है वो आपके डेटा के मूवमेंट करने के लिए यूज होता है, इनकी एक डेटा को आप दूसरी लोकेशन में अगर आप मूव करना चाहते हैं तो वो इंस्ट्रक्शन नंबर 2 से करेंगे। लेकिन 1, 3 एंड 4 ये आपके पास कंपेयर, जंप और कॉल इंस्ट्रक्शन है जो कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस में यूज़ होता है, और मूव इंस्ट्रक्शन जो है वो डेटा मूवमेंट के लिए यूज़ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द करंट टेक्नोलॉजी डैश इज़ द फास्टेस्ट लॉजिक फैमिली। आई एम फ्रॉम कंप्यूटर साइंस डिसिप्लिन, तो ये चीज़ें मैंने नहीं पढ़ा है, जो हमारे
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के जो टीचर है गांधी सर, वो इसको ज़्यादा बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे. बट इसका जो आंसर है दैट इज़ ECL. आई जस्ट डिड अ स्मॉल गूगल सर्च और वहाँ से मुझे इसका आंसर मिला था, सो इट इज़ ECL. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द लाइफ साइकिल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. अब ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है वो किस तरीके से होता है आप देख सकते हैं यहाँ पर. दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. अब सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के केस में हम करते हैं प्लानिंग, दूसरा एनालिसिस, तीसरा डिज़ाइन, फोर्थ इम्प्लीमेंटेशन, फिफ्थ टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन, सिक्स्थ एंड मेंटेनेंस. तो यहाँ पर हमने कहीं पर भी प्लानिंग नहीं दी है, तो बेसिकली दे स्टार्टेड विद द एनालिसिस. तो एनालिसिस से लेकर दे स्टार्टेड विद द मेंटेनेंस. तो हमारे पास आंसर है एनालिसिस, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन को दे सेट कोडिंग, कोडिंग के बाद वी हैव टेस्टिंग एंड ऑपरेशन मेंटेनेंस, सॉरी कोडिंग के बाद वी हैव टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन, और फिर आता है हमारे पास ऑपरेशन मेंटेनेंस. तो अगर यहाँ पर आप चेक करोगे तो हमारे पास ऑप्शन नंबर टू है वो करेक्ट है, जहाँ पर सबसे पहले एनालिसिस आप चेक कर सकते हो एनालिसिस, उसके बाद वी हैव डिज़ाइन, डिज़ाइन के बाद वी हैव इम्प्लीमेंटेशन, देन वी हैव टेस्टिंग, और टेस्टिंग के बाद आपका है ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस जो कि आपका इस फेज़ के अंदर आता है. तो उन्होंने ऑपरेशन जो आपका फेज़ नंबर वन है प्लानिंग, उस फेज़ को यहाँ पर इग्नोर किया गया है. तो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर टू. नेक्स्ट इज गिवन दैट अ 22 इंच मॉनिटर दैट विद एन एक्सपेक्ट रेशियो ऑफ 16:9 हैज़ अ मॉनिटर रिजोल्यूशन ऑफ दिस, व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ द मॉनिटर. देखिए मॉनिटर्स में होता ये है कि ये अगर आपका मॉनिटर है, ये जो रिजोल्यूशन है ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर इसके हाइट में यहाँ पर 1080 पिक्सल्स हैं, और यहाँ पर जो इसकी विड्थ है मॉनिटर की, यहाँ पर 1920 पिक्सल्स है. लेकिन जब एक मॉनिटर का एक्सपेक्ट रेशो दिया जाता है बेसिकली, वो ये जो मॉनिटर जो दिया गया 22 इंच, ये जो विड्थ है मॉनिटर की 22 इंच, ये हम कैसे मेज़र करते हैं, हम यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डायगोनल की जो विड्थ है इसको हम मेज़र करते हैं, दिस इज़ 22 इंचेस. ठीक है. अब ये जो हमारे पास 16:9 है, 16:9 का मतलब ये है कि जो आपकी विड्थ है वो आपका 16 और ये जो है ये आपका 9. आई मीन इसको हम 16x, 9x कह सकते हैं, यानी कि 16:9 ये इसका रेशो होता है. अगर आप चेक करेंगे 1920 डिवाइड बाय 1080, तो अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा दिस रिप्रेजेंटिंग 16:9. अब हम इसको अगर 9x से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको 16x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो इस पर आप सीधा पाइथागोरस जो थ्योरम है वो लगा सकते हैं. दिस इज 22 इंचेस तो हमें पता है, तो आप कह सकते हो 9x² प्लस 16x² विच विल कम टू वी एस 22 square. तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप x की वैल्यू को निकाल सकते हैं, और जो x की वैल्यू आएगी यहाँ से 19.17 इंचेस आएगी. तो इसका जो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, विच इज़ 19.17 इंचेस. ओके. नेक्स्ट, गिवन द टर्म्स आइटम्स विच इज़ PQRST आर पुश्ड इन अ स्टैक वन आफ्टर द अदर स्टार्टिंग फ्रॉम P, द स्टैक is popped 4 times and each element is inserted in a queue. The two elements are deleted from the queue and pushed back onto the stack. Now one item is popped from the stack. What item it is? तो यानी कि आपके पास एक stack है. सबसे पहले stack के अंदर हमने items को push किया, which is P, Q, R, S और T. अब उसके बाद हमने stack एक हमने queue बनाया. This is a queue. उस queue में हमने 4 items को stack से pop किया. तो सबसे पहले queue के अंदर हम डालेंगे T, उसके बाद हम डालेंगे S, S के बाद हम डालेंगे R, और R के बाद हम डालेंगे यहाँ पर Q के अंदर Q. ठीक है. अब उसके बाद टू आइटम्स आर डिलीटेड ऑन टू द फ्रॉम द क्यू एंड पुश्ड बैक ऑन टू द स्टैक. तो यहाँ से सबसे पहले हम T को निकालेंगे, उसको हम स्टैक के अंदर डालेंगे, फिर S को निकालेंगे और S को हम स्टैक के अंदर डालेंगे. नो वन आइटम इज पॉप्ड फ्रॉम द स्टैक, तो स्टैक से कौन सा आइटम यहाँ से बाहर निकलेगा, विच इज S. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, विच इज S. वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. बस आपको पता होना चाहिए कि स्टैक एंड क्यू कैसे काम करता है, इसमें से कौन सा लीलो रिप्रेजेंट करता है और कौन सा फीफो रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. तो अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 63 तक यहाँ पर स्टडी किया. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 से आगे देखते हैं. आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा. अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे कोर्सेज लेना चाहते हैं तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं. एंड अगर आप कमेंट करेंगे नीचे तो मुझे ऑब्वियसली काफ़ी इनकरेजमेंट इससे मिलता है, क्योंकि मैं आपके हर एक स्टूडेंट के कमेंट्स को रीड करता हूँ. तो मुझे काफ़ी मज़ा आता है आपके कमेंट्स को रीड करके, एंड जितना आप मुझे कम्युनिकेट करेंगे ऑब्वियसली हमारे लिए बहुत अच्छा है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 से आगे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर. ओके.